मित्रम दस ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरीके राधा पदांक विलस मधुरा स्थलीके राधांग जस मुखम खंगांग बलिके राधा विहार विपिने रमतांग मनोमे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभात उठिए बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। एबार आप लोग बोलो अपनारा बोलो ना हमें सुनबो बोलो हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते अभी जहां पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम है कोल द्वीप। कोल द्वीप का मतलब होता है कोल मतलब होता है श्री बराह देव को कहते हैं। द्वीप मतलब यही पर भगवान बराह अवतार में हिरण्याक्ष को यहीं पर उन्होंने वध किया था। हैं हिरण्याक्ष का मतलब क्या होता है बोले हिरण्य मतलब होता है हिरण सुवर्ण आंख मतलब होता है आंख जिनकी आंख में केवल सुवर्ण सोना सोना बैठा हुआ इसलिए वो दो भाई थे एक हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकशिप मतलब हिरण्य मतलब सोना और कशिप मतलब होता है बिस्तरा जिसकी बिस्तरा जिसका ही सुना ही सोना ही सोना और जिनकी आंख ही सोना क्योंकि ये सोने में ही वो सारे कली का सारे स्थान इसी सोने में ही जो दुतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा ये अधर्म है। जुआ खेलना जितने तरह का नस्ली वस्तु व्यवहार करना अवैध रूप में स्त्री संग करना और जितने माछ मछली अंडा प्याज लहसुन खाना कभी यही ही कली है, हैं? इस यहीं पर सुवर्ण में कली का सारे स्थान दिया इसलिए यहीं पर भगवान बराह अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष को वध किया था इसलिए हम श्री बराह देव से प्रार्थना करते हैं बोले जैसे इनकी कृपा नहीं होना ये जो भोग वृत्ति है हमारी ये भोग वृत्ति कभी नष्ट नहीं होगा। अगर भोग वृत्ति नष्ट नहीं होगा तो हम गोविंद की सेवा भी हम नहीं कर सकते हैं। ये जो स्थान है ये अगर कोई नवद्वीप धाम का एक बार परिक्रमा कर ले फिर पृथ्वी का सारे तीर्थ का परिक्रमा यहीं पर हो जाता है। यह जो स्थान है कहती है पंचवेणी। पंचवेणी क्या क्या है बोले एक तो गंगा जमुना सरस्वती और श्री एक है श्री भागीरथी और अलकानंदा जो जिसको त्रिवेणी भी यहाँ पर प्रयाग भी है जहां पर गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी का जहां पर सम्मिलन है, हैं? इसलिए यहाँ पर सप्त समुद्र और यहाँ पर पृथ्वी का और जहां पर हम बैठे हैं ये श्री गिरिराज गोवर्धन है यहीं पर ही राधा कुंड श्याम कुंड यहीं पर इसलिए ये गुप्त वृंदावन ये इसलिए यहाँ आने पर सब जगह इसलिए कहीं जाने का कोई जरूरत नहीं। अगर नवद्वीप धाम का कोई परिक्रमा कर लिया तो समझो पृथ्वी का सारे तीर्थ परिक्रमा करना तुम्हारी ये हो गया है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हम यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए आए थे। सत्य युग में महाप्रभु का लीला नित्य है इसलिए सत्य युग में यहीं पर एक वासुदेव विप्र थे। इन्होंने बराह देव का जब उन्होंने आराधना की तब उन्होंने बराह देव उनको श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में श्री कली युग में श्री नवद्वीप धाम में सचिनंदन गौर हरि बन करके आएंगे
और गौरहरि बन करके संपूर्ण विश्व को कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में बहाते हुए सबको निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल। इसलिए कहते सत्य युग में उन्होंने श्री वासुदेव विप्र को उन्होंने ये बात उन्होंने बताया था। इसलिए ये स्थली अत्यंत अत्यंत ये पवित्र स्थली ये स्थली है। हम लोग अभी अभी जब दर्शन करते हुए आए, हम लोग बीच में श्री सामने श्री जोग माया को हम लोग ने दर्शन करते हुए आए हैं। कहते इनको प्रौढ़ माया कहते हैं। प्रौढ़ मतलब पुराना, मतलब ये भगवान की, ये भगवान की, भगवान की दो शक्ति है। अभी तीर्थ महाराज जी बता रहे थे, एक उनकी बहिरंगा शक्ति और एक इनकी अंतरंगा शक्ति है। और भगवान की जितने मधुर लीला है, हाँ, इसलिए जिसको भागवत का प्रारंभ में जिसको श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले भगवान अपि तारात्रि सरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग मायांग मुपाश्रिता। भगवान ने जो दिव्य रास लीला की है, बोले ये जोग माया के बगैर प्रभु की रास लीला असंभव है। इसलिए गोपियां भी बोले कात्यायनी महामाये महाजोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इसलिए बोले हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महाजोगिनी, हे अघटन घटन पटयसी, संभव को असंभव, असंभव को जो संभव कर सकती है, आप कृपा करो। बोले क्या क्या चाहते हो? बोले नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जैसे नंद के लाला श्री कृष्ण करने हमारे पति बन जाए, इसलिए इन्होंने यही जोग माया, इनकी कृपा के बगैर जीव का कभी कृष्ण लीला में इनकी प्रवेश अधिकार नहीं। यही एक रूप में जब जीव भगवान से विमुख होता है, यही माया ही बहिरंगा शक्ति रूप में उनको दो शरीर देती है, एक आवरणात्मिक ये जो खिति आप तेज मर्तुबम और एक विखपात्मिक जो मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये दो शरीर को द्वारा ये आत्मा को ढक करके भगवान से जोर से दूर फेंकती है। कहाँ फेंक देती है? इसी संसार में फेंक देती है, इसी संसार में। और इसी संसार में हम आ करके बाहर संसार में, हाँ, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तर दे संसारादि दुख। इसलिए तरह तरह का ये संसार का ये दुख प्रदान करती, ये भी एक तरह का कल्याण है। अगर ये बहिरंगा शक्ति रूप में दंड नहीं देती ना, फिर हम कहीं भगवान को भजन ही नहीं करते। बोले संसार में तो हम मस्ती है, कोई जरूरत नहीं भगवान की भजन करने का। इसलिए ये जान बुझ करके ये माया उदाहरण दिया, दंड जन्य राजा जन नदित चुभाए। कोई कहते कि आप कहते संसार में सुख नहीं, सुख नहीं, संसार में तो बड़े सुख है। कहते बीच बीच में संसार में तो सुख है, लेकिन कहते हो सुख कैसे है? उदाहरण दिया, जैसे एक व्यक्ति पहले जब कोई अपराध करता था, उसको पानी में लेकर गले को पकड़कर पानी में डुबाया करते थे, फिर क्या करेगा, छटपट 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 करने लगता था, जैसे मर जाएगा। फिर करता क्या करता था, उसको थोड़ी समय के लिए फिर ऊपर उठा देते थे। वो सोचता था बच गया, अभी तो मर जाता। बोले बच गया नहीं, उसको पता है अगर ज्यादा समय रखेगा तो मर जाएगा, लेकिन उसने जो पाप कर्म किया उसका अपराध भोग नहीं कर पाएगा, इसीलिए थोड़ी सी उसको ऊपर उठाया और फिर तुमको संसार में डुबाएगा। मतलब संसार में जो सुख है ना, वो माया जानबूझकर सुख तो है ही नहीं, जिसको हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोको, संसार रूपी आग धधक रही है। हा? जो माया थोड़ी सी सुख दे रही है, सुख नहीं और दुख देने के लिए दे रही है, क्योंकि इसको ये पता चले संसार में सुख नाम का कोई चीज है नहीं। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, बोले नचंद्र से सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्ती न, स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं, पृथ्वी का चक्रवर्ती भी सुखी नहीं, कौन सुखी है? बोले सुखम मस्ति। बोले कौन है? मुन है रेकांत जीवनम। जो व्यक्ति प्रभु की शरण में आते हैं केवल वही सुखी है। इसलिए माया जान बुझ करके संसार में हमें दुख कष्ट देती है। ये बहिरंगा शक्ति रूप में जीव को जेल बनाया संसार। कहती अंतरंगा शक्ति रूप में
जब वही जीव संसार का दुख समझ करके प्रभु का भजन करने लग जाए, फिर वही जोगमया बन करके फिर जीव को भगवान को साथ में फिर ये जोड़ जाती है। और भगवान की जितने लीलाएं हैं कभी ये जोग माया के द्वारा ही सारे लीला हो रही है, क्योंकि कृष्ण जैसे पूर्ण ब्रह्म है, अगर उनको ये याद रहे मैं परात्पर तत्व पूर्ण ब्रह्म हूं, फिर प्रभु का कोई लीला संभव है? ओ क्यों मक्खन चुराएंगे, मैया की प्रेम के लिए रोएंगे क्यों है, वो फिर मिट्टी क्यों खाएंगे, वो उन्होंने उनको कोई बांध सकता है? कोई बांध नहीं सकते हैं। इसलिए बोले लीला वैसे प्रभु रो नाही देहानुसंधान, इच्छा जानी इच्छा जोग माया करे समाधान। इसका मतलब होता है प्रभु तो लीला में संपूर्ण डूबे हुए हैं, उनको पता नहीं क्या हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन इनकी जो इच्छा शक्ति जोग माया इनकी इच्छा जान करके सारे काम को यही करवाती है। अगर ये नहीं होना फिर तो प्रभु की कोई भी लीला संभव है। जैसे समझो कृष्ण मिट्टी खाए, जब कृष्ण मिट्टी खाए मैया ने पूछा कन्हैया तेने मिट्टी खाई? बोले नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले ये सखा लोग जो बोल रहे हो तुमने मिट्टी खाया है? बोले मैया क्या हुआ तेरे को पता है? बोले क्या है? बोले ये घर से अपने आप चोरी करके लड्डू मिश्री कचौड़ी लाते हैं। मैया तेरे को पता है मैं कभी चोरी का चीज खाता है नहीं? मैया बोले अच्छे तरह से बता तू क्या करता नहीं करता। बोले ये जोर जबरदस्ती बोले खाओ, मैंने खाया नहीं तो जाकर शिकायत कर दिया, पहले मैं चुगली करने से पहले ना ये मेरी चुगली कर दी। मैया ने बोले कृष्ण ने कहा अगर खाया तो मेरे मुंह में होगा, मैया तू देख ले। कृष्ण सोच रहा था शायद मैया कुछ बोलेगी नहीं, मैया तो एक धमकी लगाई बोले मुंह खोल देखना चाहता हूं। और मुंह खोल दिया तो इतने में उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो क्या कैसे लीला करती है जो माया इच्छा शक्ति, इनकी इच्छा क्या है? मैया को हाथ में डंडा है, अगर मैया मुंह में मिट्टी देखा ना एक नीचे नहीं से पीठ के ऊपर पड़ेगा। इसलिए कृष्ण की इच्छा मैया मेरे को मत मारे, इसलिए कृष्ण का तो इच्छा, लेकिन इच्छा शक्ति जो माया क्या करती है, ये कृष्ण की इच्छा जान करके कृष्ण की मुखार बिंद में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दर्शन करा दिया सारा दुनिया को। क्यों? कृष्ण की इच्छा है मैया मेरे को मारे नहीं। लेकिन मैया की और अगर गलती हो गई क्या हो गई, मैया ने जो विश्व ब्रह्मांड को देखा मैया ने सोचा हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं कृष्ण, फिर सोच रहे भैया गड़बड़ी हो गया विश्व रूप दिखा करके। बोले क्या गड़बड़ी हो गया? अगर मैया को पता चले मैं भगवान हूँ फिर मैया क्या करके मेरे लिए जैसे सालग्राम के लिए छोटी सी मंदिर बना करके, जैसे थोड़ी सी मिश्री मीठा भोग लगा करके, तुम्हें वो माता चो पिता तुम्हें वो बंधु, जैसे थोड़ी सी घंटा ही लाकर बंद कर देती है ना, ऐसे ही तो मेरे को फिर छोटा सा मंदिर बनाकर घर में बंद कर देगी, फिर सखाओं के साथ में खेलूंगा कैसे। कृष्ण ने डर गए, देखो इच्छा शक्ति क्या करती है, कृष्ण की इच्छा को जान करके मैं प्रभु का इच्छा है मैया मेरे को घर में बंद नहीं करे, मेरी लीला में कोई व्याघात नहीं हो, फिर उनको इच्छा शक्ति झट क्या करती है सारे लीलाओं को मुंह से अंतर ध्यान कर देती है। इसलिए ये इच्छा शक्ति कृष्ण की जितने सारे लीला है इनके सारे भगवता को भुला करके सारे लीला को समाधान करने वाले इनकी इच्छा शक्ति जोग माया है। इनकी कृपा से ही जीव को भगवत भजन में भी प्रवेश अधिकार, प्रभु की सारे लीला में ही मदद करती है। और यहाँ पर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का समाधि आप लोग दर्शन करके आए, कहते ये जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज पहले ये सूर्य कुंड में भजन करते थे, और यही महापुरुष ही जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन करते करते देखा मायापुर में दिव्य एक लाइट ज्योति जल रहा है, भक्त विनोद ठाकुर दूसरे दिन गए कुछ है नहीं, फिर दूसरे दिन उन्होंने देखा वहां पर ताल बिखे, जब वहां पर गए वहां पर बोले भैया यहाँ पर सर ये तुलसी पेड़ क्यों? बोले पता नहीं हम तो यहाँ पर दूसरे कोई भी बीज बोए ना वो सब अंतर ध्यान के बोले तुलसी बिरखे निकलता है। वो समझ गए ये भगवान की नित्य लीला अध्यापियों से लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार भाई ये नित्य वृंदावन। वहां के लोग बोले देखो हम तो रात को यहाँ आते नहीं। बोले क्यों? बोले रात को यहाँ पर भूत आते हैं हई 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 बोलते रहते हैं। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर ने कहा नहीं हरी हरी नहीं, अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु अपना परिकर को साथ में निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल अभी भी ये लीला करते हैं। फिर उन्होंने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को फिर उन्होंने बुलाया, बुला करके उन्होंने जब वहीं पर बुलाए
जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उद्दंड नृत्य जो बिहारी उनको ले जाते थे टोकरी में, चलने का हिम्मत नहीं था, लेकिन वहीं पर पांच छह हाथ छलांग लगा लगा करके मेरे सचिनंदन गौरव हरि का जन्म स्थान यही बोल करके, क्योंकि श्री वैष्णव सार्वभौम है, इनको संपूर्ण गौड़ ब्रज और क्षेत्र मंडल में इनको सबके सब सिद्ध महापुरुष जानते थे। इनके एक दो विचार है। पहला विचार ये है, कुछ कुछ बाबा जी लोगों का मत है, बोले देखो भजन निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। फिर कोई कोई बोलते ठीक से अपना भाला कर सुनो, किछ कुछ मतवाद लोग आछे तारा की बोले, बोले निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। आबार के को की बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद भज हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। किछ कुछ संप्रदाय आछे तारा यही नाम करे, बोले तुम्हारा कुछ थे पहले, बोले हमारे गुरुदेव ना स्वप्न तो पिए छे, बोले तुम्हारे गुरुदेव यदि स्वप्न पिए थाके तब जगत महाप्रभु जे नाम दिलेन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इन्हीं बोलते गौर जे लाई लो नाम सही नाम लाओ आर जो तो छड़ा नाम दूरे रखे दाओ। माने श्री चैतन्य महाप्रभु जी नाम के दिए छेन एवं जे हरिदास ठाकुर जी ने ब्रह्मा जिन्हें हरिदास ठाकुर हुए तिनी तीन लाख जे हरिनाम करते हैं एवं बृहद नारदीय पुराण भविष्य पुराण जो विभिन्न पुराण थे ये 16 नाम 32 अखेरा अच्छे जेटा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तब एटा कुछ जावे तोर गुरुदेव यदि एटा पिए छे आर एटा बोले आमार गुरुदेव एटा स्वप्न पिए छे आर के बोले आमार तो गुरुदेव राम नारायण नाम अपना जाने दुनिया ते एटा राम नारायण नाम आछे। एखन की होय छे एखन सबाई ना निज इच्छा अनुजाय निज निज मतभेद कर दिए छे आमार गुरुदेव ये बोल छे आमार गुरुदेव ये बोल छे आमार गुरुदेव बोल थाके तो शास्त्र की दरकार आछे स्वप्न प्रमाण कथा बोले नय जीव जस्ट प्रमाण स्वप्न प्रमाण हां एजने हमारे माधव महाराज बोलछेन जीव गोस्वामी सेखाने 10টি प्रमाण कथा बोलछेन किंतु सेखाने कोनो स्वप्न रे प्रमाण कोखाने कोनो कथा नहीं। এই জন্য কৃষ্ণ গীতাতে বলছেন যহ শাস্ত্র বিধি মুর্জ বর্ততে কামচারত না সহ সিদ্ধি মাপনতি না সুখম না পরাম গতি। অর্থ হল আমি যে শাস্ত্র বিধি বিধান দিয়েছি যদি এই বিধি বিধানকে পরিত্যাগ করে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যদি কোন ধর্ম যাজন করে সে কোন সুখ পাবে না সে কোন পরাগতি তিনি প্রাপ্ত করতে পারবে না। এই জন্য মহাপ্রভু বলছেন সকল প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন শাস্ত্র ছাড়া কোনো কথা বলবে না। এই জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জগতে এসে তিনি কোন নিজের কোন মতবাদকে তিনি বলেনি যে আমি এটা বলছি, বলে না তুমি বলো রায় রামানন্দকে যখন প্রশ্ন করলেন কহ রায় সাধর নির্ণয় তিনি বাংলা ভাষায় বলে মহাপ্রভু বলে এইটা তোমার গ্রহণীয় নয়, বলো শাস্ত্র কোথায় বলা আছে কোন বেদ কোন পুরাণ শাস্ত্রে কি লেখা আছে সেটা বলো। এই জন্যই ইনি বলতেন মহাপ্রভু জগত যে নাম দিয়েছেন এই 16 নাম 32 অক্ষর বলছে ইতি ষোড়শক নামনম কলি কলমসনাসনম। অর্থ হল এই 16 নাম 32 অক্ষর মাত্র কলিযুগের সমস্ত পাপকে এই ধ্বংস করবে আর কোন উপায় নেই। এই জন্যে ইনি এই কথাকে জোর দিয়ে বলতেন। আর এনার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল কেউ কেউ বলে জপ হরে কৃষ্ণ ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম আর জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। अर्थ बुझते दर्शन अर्थ अलग के लोग बोले देखो निताई गौर नाम तो जोर जोर निवे कि ते जो हरे कृष्ण महामंत्र ना हाँ जप हरे कृष्ण हरे राम ये जो हरे कृष्ण महामंत्र के खाली जप कर बे बोले बना जोर जोर एटा बार एटा कुता मत बेरी गए छे हाँ एटा ते मत बेरी था के हरिदास ठाकुर तिनी महाप्रभु ताके तिनी नामाचार्य रूपे ताके तिनी स्थापन कर छे তিনি বলেন নামের আচার্য যদি কেউ নাম কি করে করতে হয় যদি কেউ জানতে চায় কাকে ভালো করবে বলে হরিদাস ঠাকুর কে ভালো করবে কেন তিনি বলেন নামাচার্য তিনি যখন আপনার জানেন যখন আমাদের মুসলমান রাজা হরিদাস ঠাকুর কে পতন করার জন্য পাঠায় তখন হরিদাস ঠাকুর ওখানে চৈতন্য ভাগবত পড়ে দেখবেন তিনি বলছেন তুমি ওখানে বসে দেখো আমি প্রত্যেক দিন 3 লাখ হরি নাম করি 3 লাখ হরি নাম না করে আমি কিছু গ্রহণ করি না এখন আমার নামটা পুরো হয়নি এটা পুরো হয়ে গেলে না তখন তোমার ইচ্ছাটা পুরো করে আপনার ভালো মন দিয়ে শুনুন দেখুন এখানে কি আদর্শ এখানে এরা কিভাবে লোকদেরকে কিভাবে শুদ্ধ ভক্তিটাকে বিচ্যুত করছে কিভাবে
निजर इच्छा अनुजाई हाँ निजर इच्छा अनुजाई मतवाद के प्रचार करे लोक कि विभ्रांत कर देखो ये चैतन्य भागवत निजे पढ़ी नीबे हाँ तखन ते हरिदास ठाकुर बोलछे देखो तुम से बस आमार नाम टाइम पूरा हो जाओ तापर तुम्हारे इच्छा पूर्ण करव तक हरिदास ठाकुर की मन मन कर ना लेखा अच्छे सुन शब्द अच्छे सुन आम जे बोल सुन तुम ये तीन तीन रात्रि पर्यंत हरि कथा सुने हिंदी में हाँ हरि आप लोग तो ठीक ठाक है बंगाल में ज्यादा गड़बड़ी है इसलिए हम बंगला भाषा थोड़ा बोल रहा हूँ इसलिए बंगला में अपना तो अपने हिंदी भाषी आप लोग ठीक ठाक वहां पत्र गा रहे हो लेकिन ये जो मतवाद है ना अपर संप्रदाय का मतवाद इसलिए मैं बंगला में बोल रहा हूँ ये लोग ज्यादा भ्रमित आप लोग तो ठीक ठाक हो इसलिए मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ ऐ जने एखाने बोलते तुम्हें सुना ऐ जने तिनी तीन रात्रि तिनी वही हरिनाम सुने सुने तीन रात्रि तिनी हृदय परिवर्तन हो गए हृदय परिवर्तन हो गलो तीन दिन तो पूरा तिनी सही बेस्या होलो परम महांति बड़ा बड़ा वैष्णव तार दर्शन तो जानती एतो महात्मा हो गए हरिदास ठाकुर तिनी 3 लाख हरिनाम करते 1 लाख हरिनाम तो तिनी मन मन करते द्वितीय लाख हरिनाम तिनी कान पर्यंत जान सुनते पारे और जो आर 1 लाख जो हरिनाम करते जोर जोरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तेन उच्च संकीर्तन करते हैं। एक दिन एक जन मुसलमान जिज्ञासा कर लो कि दादा हमारा सुन छ भजन मन मन है तुम कि चिल्ले चिल्ले सबा के बोल छो हम ये तो हरिनाम करी भजन करी तुम ये तो चिल्ले चिल्ले के हरिनाम कर छो देखो तीन की उत्तर दिए छे नमाचार्य बोले तुम्हें बोलो एक जन व्यक्ति इनकम करे निजे खाए आर एक जन व्यक्ति इनकम करे पूरा परिवार के खावे बोलो तो दो जन में तो के बड़ा बोलो ना के बड़ा आवे हाँ जिन सबाई के खावे तो कहा तिनी शास्त्र ते को उदाहरण दिलेन बोले जप तो हरि नामान स्थाने सत गुण अधिक तिनी निजे बोलचेन जरा मन मन हरि नाम करे जे पुण्य प्राप्त करे यदि कहो जोर जोर हरि नाम करे जप तो हरि नामान स्थाने सत गुण अधिक 100 गुण बेची फल पाए हाँ 10-20-100 गुण फल पाए ऐसे लता पता कीट पता तारा बोलते पारे ना उच्च संकीर्तन पर उपकार करे भागवत देखो ओखाने भागवत जे प्रथम श्लोक लास्ट श्लोक ते बोले नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम स्तम नमामि हरि परम भागवत का अंतिम श्लोक है कहते नाम संकीर्तन कीर्तन बोला है नहीं बोले संकीर्तन का क्या बोले बोले बहु भी मिलित्वा जदैव कीर्तनम तदैव संकीर्तनम संकीर्तन तखन आए जखन एकत्रित सबाई जोर जोर जखन हरि नाम कराए एटा के संकीर्तन बोला है एजने भागवत मध्य सेखने बोले चैतन्य महाप्रभु की बोलछन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कीर्तन कथा बोला है नी सेखने संकीर्तन कथा बोला होई छे हैं एजने जगन्नाथ दास बाबा जी अनेक कथा छे आरआर वैष्णवरा कथा बोलबे एजने अमरा जेखाने एसे छी एजने अपनारा अन्य कादर कथा ना सुने महाप्रभु जे इतनी उच्च स्वर हरि नाम कर छन ओइटा करे बने उनार आरटा सिद्धांत आछे एकटी होलो शिष्य परंपरा आर एकटी गुरु परंपरा अपना भाल मन करे सुनन अनेक लोक आछे जरा कुल गुरु के ग्रहण करे आर गोस्वामी गुरु के ग्रहण करे शास्त्र बोले छे ना बोले परमार्थ गुरुवास रहम व्यवहार दि गुरुवादि परित्यज्य कर्तव्य नियम होला के कोई बोले मा इस लाल कपड़ कुदा तक ऐसे हैं सर गोस्वामी तो कोई लाल कपड़ पड़े नहीं तुम्हारे लाल कपड़ कुदा तक नहीं ले के कहो हमारे गौड़ीय वैष्णव तेरे का आख्याप करे एवं के कहो बोले एरा कुदा तक सब गुरु परंपरा नहीं है से इधर कोनो गुरु परंपरा ठीक नहीं हैं एजने महा हमारे गुरुदेव तिनी एक ग्रंथ लिखे छेन ओई ग्रंथ नाम की प्रबंध पंचगावली तार मध्य तिनी एकटी प्रबंध तार मध्य दिए छेन शिष्य परंपरा आर एकटा होलो भागवत परंपरा तिनी सेखाने दिखे छेन शिष्य परंपरा प्रभुपाद ग्रहण कर लेना जे रकम आपनार एकटा छेला छे डाक्टर जदि आपनार आपनी होलेन डाक्टर जदि आपनार छेलेटी डाक्टरी ना करे ताके कि डाक्टर बोला जाबे जरा कुलगुरु करे ना जरा गोस्वामी वंश करे हैं तार आगे क्यों एक जन महापुरुष छिलो
এখন ওরা কি বলে ওর রক্ত এখন আমাদের আছে আর নিজে মাছ খায় মাংস খায় ভজন ভজনের সঙ্গে কোন মতলব নেই যত উল্টা পুল্টা কাজ করে বলে আমরা গোস্বামী পরম্পরায় কেউ একবার কখনো এসেছিল গোস্বামী হ্যাঁ কিন্তু বলে আমরা সেই বংশে এসেছি এই জন্য প্রভুপাদ দেখলেন এই যে শিষ্য পরম্পরাতে অনেক গলত আছে অনেক গলত আছে এই জন্য মা প্রভুপাদ তিনি শিষ্য পরম্পরাকে গ্রহণ না করে তিনি ভাগবত পরম্পরাকে গ্রহণ করে শিক্ষা পরম্পরাকে গ্রহণ করে কেননা শিক্ষা পরম্পরাতে প্রকৃত পরম্পরা তার মধ্যে শিক্ষাটা আছে এই জন্য আমাদের রূপানুগ গৌড়ী বৈষ্ণব বলা হচ্ছে আমরা সে রূপানুগ ধারাতে আমরা এসেছি গুরু কিসের জন্য করি সংসার থেকে পার হওয়ার জন্য না যে গুরু নিজেই সংসারে স্ত্রী পুত্র পরিবার মধ্যে নিজেই ডুবি আছে বলে অন্ধা যথেই রন্ধেই রূপ বিমানাত যেরকম একটা অন্ধার পেছনে দৌড়ালে কি হবে ও কুয়াতে তুমি ও কুয়াতে কেন গুরু করবে এই জন্য প্রভুপাদ তিনি তাকে খণ্ডন করলেন তিনি স্বীকার তিনি করেননি এই জন্য গুরু গ্রহণ করতে গেলে সেখানে যে তসমাত গুরু প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয়োত্তমম সাব্দে পরেচ নিস্নাতম ব্রহ্ম নিউপ সমাশ্রম সেখানে গুরুদেবের তিনি সেখানে তিনটি লক্ষণ কথা বলছেন প্রথম লক্ষণ হওয়া দরকার গুরুদেবের যিনি সমস্ত শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করছেন বলে কেন তিনি যদি সমস্ত শাস্ত্র না জানে আমার শঙ্কাকে তিনি দূর করতে পারবে না কেবল শাস্ত্রটা সর্বদা এটা হলো তার বাইরে গুণ অন্তরের গুণ হলো ভজন পরায়ণ হওয়া দরকার তার যে আর যে তৃতীয় হলো যিনি এই সংসার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মহাপুরুষ কুয়ার মধ্যে যদি তুবিও পড়ে থাকো গুরুও পড়ে থাকে কে কাকে কুয়া থেকে তুলবে ওর উপরে যদি কেউ থাকে তবে তো কেউ তুলতে পারবে তবে কেউ তুলতে পারবে না এই জন্য আর অনেক শিক্ষা আছে এই জন্য আমাদের ইংলিশ তো ওদের মাধব মহারাজ তিনি বলবেন এই জন্য আমরা এখানে এসেছি আপনারা আমরা সবাই শ্রী জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ চরণে প্রণাম করি যোগ মায়া চরণে প্রণাম করি মহাপ্রভু চরণে প্রণাম করি যাতে আমাদের সেই গৌরব প্রেম প্রাপ্ত করে জীবনকে আমরা ধন্যাতে ধন্য বানাতে পারি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল জড়া উন্নতি